नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप चाहें तो जेंट्स स्वेटर में बनाएं, लेडीज़ प्रोजेक्ट में या बच्चों के प्रोजेक्ट में डालें, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए। हम ऐसे 6-6 फंदे गिने तो लास्ट में एक भी फंदा बचना नहीं चाहिए। तो मैंने सिलाई में 18 फंदे डाले हैं, 18 स्टिचेस। बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो पहली लाइन में सभी फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ये दूसरा लाइन है, तो दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो हमने दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये तीसरा लाइन है और सामने से, तो तीसरी लाइन में सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे। और चौथी लाइन में सभी फंदे उल्टे। तो हमने 4 लाइन बुना। पहली लाइन में सभी फंदा सीधा, दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे, तीसरी लाइन में सभी फंदे सीधे और चौथी लाइन में सभी फंदे उल्टे। तो बॉर्डर बनाने के बाद हमने 4 लाइन बुन लिया। अब ये हमारा 5वां लाइन है और सामने से, तो सभी फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। सभी फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटेंगे, 1, 2 और सीधा बुन लेंगे, 1, 2 और सीधा बुन लेंगे। तो सभी फंदों को हमने सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लिया। और ये डिज़ाइन का 6ठा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो हम 6 फंदों को खोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन्हें हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे। ये हमारे ऐसे क्रॉस हो गया। अब इसको बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। एक एक फंदों को लेके हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने 6 फंदों को उल्टा बुन लिया। अब नेक्स्ट हम 6 फंदे खोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इन 6 फंदों को हम बाएं सिलाई में ले लेंगे। और अब देखिए, पीछे के 3 फंदेंगे और 1, 2, 3 को इसके अंदर से निकाल लेंगे। देखिए, हमने इसके अंदर से निकाल दिया। अब इसे हम बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और 6 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट 6 फंदों को हम खोलेंगे और इसे दाहिने हाथ में रहने देंगे। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, पहले 6 फंदे को हमने दाहिने हाथ में लिया और 1, 2, 3 को के अंदर से 4, 5, 6 को निकाला। दूसरे अगले 6 फंदों को हमने बाएं हाथ में लिया, बाएं सिलाई पे लिया और 4, 5, 6 के अंदर से 1, 2, 3 को निकाला। यहाँ देखिए, इसका ये अपोजिट है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है इस साइड में आया है, यानी कि 4, 5, 6 जो है ऊपर से गया है। तो अब नेक्स्ट 6 फंदों को हम दाहिनी सिलाई में लेंगे और 1, 2, 3 को उठाएंगे और 4, 5, 6 को इसके अंदर से निकालेंगे। तो ये हमने 3 फंदों को इसके अंदर से निकाल लिया। अब इन्हें बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और 6 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये फंदे इस साइड में गए हैं और ये फंदे इस साइड में गए हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं। देखिए,
ये फंदे इसके अपोजिट में है। अब फिर हम चार लाइन प्लेन बुनेंगे, यानी आगे से सभी फंदे सीधे बुनेंगे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। देखिए हमने चार लाइन प्लेन बुन लिया, यानी सातवां और नवां लाइन सीधा बुना, आठवां और दसवां लाइन उल्टा बुन लिया। तो अब ये ग्यारहवां लाइन है और इसमें हम सभी फंदे सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। दो बार ऊन लपेटेंगे सीधा बुन लेंगे, दो बार ऊन लपेटेंगे सीधा बुन लेंगे। तो सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। और अब ये बारहवां लाइन है और रॉन्ग साइड। तो हम छह फंदों को खोलेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, और अब की हम इन्हें बाएं सिलाई में ले लेंगे। पहले यहाँ पे छठे लाइन में हमने इन्हें दाएं सिलाई में, दाहिनी सिलाई में लिया था और तीन फंदों को पहले दूसरे तीसरे को के अंदर से हमने चौथे पांचवे छठे को निकाला था, लेकिन अब की हम इसे अपोजिट करेंगे, यानी कि इसे बाएं सिलाई में लेंगे और चौथे पांचवें और छठे फंदे के अंदर से पहले दूसरे तीसरे को निकालेंगे। देखिए ऐसे हमें यहाँ के अपोजिट इसे करना है। तो अब इन्हें बाएं सिलाई में ले लेंगे और छह फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। छह फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब नेक्स्ट छह फंदे हम खोलेंगे और इसके हमें इन छह फंदों को इस डिजाइन के अपोजिट करना है, यानी अब की इन्हें हम दाहिनी सिलाई में लेंगे और पहले दूसरे तीसरे के अंदर से चौथे पांचवें छठे को निकालेंगे। तो ऐसे निकाल लिया हमने, देखिए ये क्रॉस हो गया। तो अब इन्हें वापस बाएं सिलाई में लेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने छह फंदों को उल्टा बुन लिया। देखिए एक इधर से जा रहा है, दूसरा एक दाहिनी हो जा रहा है तो दूसरा बाईं हो जा रहा है। डिजाइन देखिए, एक दाहिनी हो जा रहा है तो दूसरा बाईं हो जा रहा है। अब नेक्स्ट छह फंदों को हम खोलेंगे और इन छह फंदों को हम बाईं सिलाई में ले लेंगे और देखिए हमको इस डिजाइन के अपोजिट इन्हें करना है, यानी कि पांचवें चौथे पांचवें छठे के अंदर से पहले दूसरे तीसरे को ऐसे निकाल लेना है और फिर इन्हें बाएं सिलाई में चढ़ाकर सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन तैयार है। 12 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और फिर इन्हीं 12 लाइनों को ऊपर ऊपर बनाते जाना है, यानी अब फिर 13वें लाइन से हमारा एक पहला लाइन शुरू हो जाएगा। 12 लाइन कंप्लीट होने के बाद फिर एक से 12 लाइन हम बनाएंगे, तो ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए एक बार ये इस साइड में यानी बाईं ओर डिजाइन जा रहा है और इसके ऊपर दाहिनी ओर ये डिजाइन बाईं ओर जा रहा है, तो नेक्स्ट डिजाइन जो है वो दाहिनी ओर जा रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, वरना डिजाइन चेंज हो जाएगा और उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो आपको डिजाइन ध्यान से बनाना है। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। आशा है आपको डिजाइन पसंद आया होगा। यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।